सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 पंचमा पाठ लंग का प्रथम पुरुष एक वचन। लंग का मीन्स भूतकाल। क्या होता है लंग का? मीन्स भूतकाल। और किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष एक वचन। तो बच्चों, आप लोगों को ग्रामर में मैं बता दिया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कौन होते हैं। तो प्रथम पुरुष के बारे में और रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम पुरुष मीन्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, मध्यम पुरुष मीन्स जिससे हम बात करते हैं, और उत्तम पुरुष मीन्स जो बात करने वाला होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रथम पुरुष मीन्स जिसके बारे में, इसी को और क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष, है ना। और एक वचन। तो लंग का प्रथम पुरुष एक वचन बनाने के लिए हमें, या समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? तो लंग का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाने के लिए हमें धातु से पहले क्या ऐड करना पड़ता है? आ ऐड करना पड़ता है। किससे? धातु से पहले। धातु से पहले क्या ऐड करना पड़ता है? आ। और धातु के अंत, धातु के अंत में, धातु के अंत में क्या करना पड़ता है? आप लोग जो है वीडियो वॉच किए हो, क्या करना पड़ता है बच्चों? अप, क्या लगाना पड़ता है? अप, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पट धातु का लंग लगा प्रथम पुरुष एक वचन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? पट धातु का आगे करके, ठीक, आए कभी लास्ट में अत, तो आ का क्या हो जाता है बच्चों? लोप हो जाता है। जैसे आ पठक, अत नहीं करेंगे वहां पर, आ पठक, ये आ पठक, ठीक है। तो आ का लोप हो जाता है, आ पठक ठक अत, है ना। तो आ पठक यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये लंग का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। यहाँ पर उसी प्रकार जैसे नाम का, तो अनुमत, हम मत, वह एग्जांपल देखते हैं, वह पढ़ा, अन्य पुरुष वह पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, सह अपठक, सह अपठक। ओके बच्चों, तो चलिए ना नेक्स्ट और एग्जांपल से आप लोग समझोगे किसको लंग का प्रथम पुरुष एक वचन को बुक में दिए हुए एग्जांपल से। ओके, तो आप लोग चैप्टर 5 ओपन करिए। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। लंग लकार के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ जोड़ते हैं। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप बनाने के लिए धातु के अंत में अत जोड़ते हैं। जैसे पठ का अपठत, लिख का अलिखत, पत का अपतत, धाव का अधावत, चल का अचलत, नित्य का नित का अनित्यत, गम का अगच्छ अगच्छत। गम का गच्छ धातु होता है ना, तो पास्ट टेंस में क्या आ जाएगा? अगच्छत। नम का अनमत, स्मृ का अस्मरत, अस का आसित, भ्रम का अभ्रमत। प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन के कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कह पठत, चलिए बच्चों आप लोग बताइए, है ना, यह बताइए कि क्या है। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, पठ धातु में शुरू में अ है और अंत में अत जुड़ा हुआ है, अपठत। इसका मतलब यह लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यह इसका मतलब क्या हो जाएगा? और कह, तो कह मीन्स क्या होता है? पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। कौन अपठत, कह कौन या किसने अपठत पढ़ा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? किसने पढ़ा। कह अपठत, किसने पढ़ा। बालक अपठत, बालक ने पढ़ा। मयंका पाठम अपठत, मयंक ने पाठ पढ़ा। ओके बच्चों, तो ये किसका एग्जाम्पल है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। का लिखत, ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम्पल से और
जो है सेंटेंस बनाने का प्रयास करोगे यही रूल से, यही नियम से। का लिखत, किसने लिखा? बालिका लिखत, किसने लिखा? बालिका ने लिखा। रमा पत्र मा लिखत, रमा ने पत्र लिखा। किम आपतत, किम आपतत, क्या गिरा? पत्रम आपतत, पत्ता गिरा। वृक्षात पत्रम आपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा। आपतत। अश्व तीव्रम अधावत, घोड़ा तेज दौड़ा। वृद्धा शनय शनय अचलत, वृद्ध बूढ़ा, शनय शनय मीन धीरे धीरे अचलत चला। मयूरा उद्याने अनित्यत, मयूर मोर उद्यान में नाचा। पास्ट टेंस है ना, इसलिए यह सेंटेंस अनित्यत, नित्य नित्य जो धातु है उसमें आ पहले जोड़े हैं और अंत में क्या है जोड़े हैं, अत जोड़े हैं, तो अनित्यत मीन्स ये पास्ट टेंस है, ऐसा आपको समझना है। लता विद्यालयम अगच्छत, लता विद्यालयम अगच्छत, लता विद्यालय गई। सा शिक्षिकाम अनमत, सा शिक्षिकाम अनमत, वह शिक्षकों को नमस्कार किया। राधा पाठम अस्मरत, राधा ने पाठ याद किया। पुष्पम सुंदरम आसीत, पुष्प सुंदर था। तत्चक्रम अभ्रमत, वह पहिया घूमा। वृक्षात फलम अपतत, वृक्ष से फल गिरा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन को कैसे पहचानेंगे और किस तरीका से हम सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी, यहाँ पर दिया हुआ है लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन पर आधारित सेंटेंस, यहाँ पर स्टोरी के रूप में दिया हुआ है। तो देखते हैं, पिपासिता काकः, प्यासे कौवा। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एकदा एकः काकः, एकदा मीन्स एक बार, एकः एकः काकः एक कौवा, काका मीन्स क्या होता है कौवा। पिपासितः प्यासा आसीत् था, एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलस्य, वह जलस्य षष्ठी विभक्ति है बच्चों, तो क्या हो जाएगा जल को या जल के या जल, तो यहां पर क्या होगा सह दिया है पुरलिंग शब्द के लिए, तो वह जल पानाय, पानाय चतुर्थी विभक्ति है मीन्स पीने के लिए, वह जल पीने के लिए या जल को पीने के लिए। इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत आ गया ना बच्चों, अभ्रमत भ्रम धातु में अ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जो कि प्रथम पुरुष लंग लकार के अभी बारे में पढ़े थे कि यहाँ पर अ शुरू में दिखे और लास्ट में अत जुड़े, वहाँ का क्या होता है प्रथम पुरुष लंग लकार एक वचन, तो अभ्रमत मीन्स वह जल को प्राप्त करने के लिए, वह जल को पीने के लिए इधर उधर घूमा। परम परंतु, कुत्र अपि जलम न अलभत, कुत्र मीन्स कहीं भी, कहीं होता है ना, कुत्र मीन्स कहीं, अपि भी जलम जल, अन्ना नहीं, अलभत प्राप्त मिल हुआ या लाभ मिला, अर्थात लाभ अलभत, लव धातु में अ और अत जुड़ा हुआ है, तो लव मीन्स प्राप्त किया, अर्थात उन्हें कहीं भी जल नहीं मिला, न अलभत नहीं प्राप्त किए। एकदा एका काका पिपासिता आसीत, एक बार एक कौवा प्यासा था, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था, परंतु उसे कहीं पर भी जल नहीं मिला। अंते एकस्मिन् उद्याने स एकम घटम पश्यत, अंत में एक बाग में उसने एक एकम घटम अपश्यत, फिर से आप लोग देख रहे हो बच्चों पश्य धातु में आ जुड़ा हुआ है और अत जुड़ा हुआ है, मींस क्या हो गया पश्य मींस देखना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखा पास्ट टेंस। अंत में उसने एक उद्यान में है ना एक घड़ा को देखा। स घटस्य समीपे गच्छत, वह
घड़ा के पास अगच्छर। यहाँ पर फिर से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, गच्छ धातु में अ और लास्ट में अत, मीन्स क्या है पास्ट टेंस, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, मीन्स गच्छ मीन्स क्या होता है हाँ जाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जाना का ग है ना अगच्छ छत, गच्छ धातु में अ और अत जुड़ा हुआ है, मीन्स ये पास्ट टेंस का है, भूतकाल का है, मीन्स गया अगच्छत, वह घड़ा के समीप गया पास गया। सह जलस्य पानाय वारम वारम प्रयत्नम अकरोत, वह जल को प्राप्त करने के लिए जल पीने के लिए बार बार प्रयत्न किया। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़ा में थोड़ा जल था। अतीव काकः जलस्य पाने सफलः न अभवत, इसलिए कौवा जल को प्राप्त करने के लिए है ना सफल नहीं हो पाया, अर्थात जल पीने में सफल नहीं हुआ। स एकम उपायम अचिंत्यत, चिंत धातु में देखिए अचिंत्यत अत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वह एक उपाय सोचा, क्या उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य कानिचित खंडानि कटे अचिपत, सह वह उसने पाषाणस्य पत्थर के षष्ठी व्यक्ति काके की लगता है तो पत्थर के कानिचित कुछ टुकड़े, खंडानि मीन्स टुकड़े, घटे अचिपत घड़े में डालने लगा। अचिपत चिप धातु में यहाँ पर भी दिया हुआ है ना, तो अचिपत में डालने लगा, या उन्हें वहाँ पर क्या किया हो, जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे उनको उस घड़ा में डालने लगा, पास्ट टेंस है ना। एवं जलम घटस्य ऊपरी आगच्छत, और इस प्रकार जल घड़ा के ऊपर आ गया, अर्थात जब नीचे कंकड़ और जो पत्थर छोटा छोटा कण था नीचे गया तो पानी क्या होगा बच्चों, ऊपर आएगा ना, नीचे में कंकड़ जमा होगा तो ऊपर पानी आया, ऊपर आ गया जल है ना। इस प्रकार से सह जलम अपिबत, और उसने क्या किया जल पिया। सह अति प्रसन्न अभवत, वह बहुत ही खुश हुआ। अकथयत च, और कहा भी गया है क्या, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही क्या होते हैं बच्चों कार्य सिद्ध होते हैं है ना, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही कोई भी कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस चैप्टर में लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का सेंटेंस बनाना और पहचानना ये सीखा, और साथ ही साथ इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को क्या सीख मिली बच्चों, कि हमेशा क्या करना चाहिए, अपना परिश्रम जारी रखना चाहिए, सफलता एक न एक दिन निश्चित ही मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होता। ओके बच्चों, तो आप लोग भी इस प्रकार से जो है कहानी स्टोरी जो भी है सेंटेंस जो अभी पढ़े हो लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन के बारे में अपने आप से क्रिएट करना फार्मूला लगा करके, तभी आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पता चल जाएगा और हैबिट में आएगा, और इस प्रकार से आपको आप बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हो। ओके बच्चों, तो इसका बैक एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप लोग इसका शब्दार्थ जो है लर्न करिएगा। ओके।